बात सही है। खबरदार सरपंच साहब जो हिलने की कोशिश करी तो इसके आओ। नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद। तो भाई साहब, जैसा कि देखा बहुत सारे साधन हैं और यहाँ पे धूल बहुत है, और वैसे अपने पास वॉश करने के लिए ये एक पंप रखा हुआ है जिससे अपन करते हैं, लेकिन इसमें एक समस्या है कि ट्रैक्टर अवेलेबल होना चाहिए और काम के समय पर ट्रैक्टर होते नहीं हैं, तो गंदी खड़ी रहती हैं साधन। जैसे गाड़ी कल हम भोपाल गए, गंदी थी, तो ऐसे ही पानी मार के ले गए, तो बहुत मैक्सिमम टाइम ये होता है गाड़ियाँ गंदी बनी रहती हैं, क्योंकि वॉश करने के लिए हमको एक ट्रैक्टर चाहिए ही चाहिए, तब जाके हो जाएगा और काम की अधिकता आपको पता ही है। तो उसके लिए मैंने मंगाया ये एक प्रोडक्ट अमेज़ॉन से, KP40। ये एक वॉशर है, बहुत बढ़िया मशीन है ये। जब मैंने अमेज़ॉन पे इसको चेक किया तो इसकी रेटिंग बहुत बढ़िया थी और प्रेशर वगैरह भी ठीक है। 6.5 लीटर प्रति मिनट का है, 150 का मैक्सिमम प्रेशर है, फ्लो बहुत बढ़िया है, 6.5 लीटर एक मिनट में फेंक देगा। 2000 वाट की इसकी मोटर है और ISO सर्टिफाइड है, और सबसे मेन चीज़ मेड इन इंडिया है ये। इस तरह के कुछ पाइप वाइप दे रखे हैं इसमें, और ये मशीन है, बिजली से चल जाएगी, ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं है। ये सक्शन पाइप है नल में लगाने के लिए। ये आ गई मशीन बाहर, और ये डब्बे में है क्या क्या, ये रही यूज़र मैनुअल, बहुत सारी तामझाम है यार। इसको पटक देते हैं साइड में। अब देखो भाई साहब, ये अरे पहिए भी दे रखे हैं यार इसमें। तो भाई साहब, इस डब्बे के अंदर सबसे पहले तो ये थैंक यू का ये मिला था, और एक ये लेटर मिला था, वेलकम लेटर, क्या है ये, अटेंशन, इसमें सब किया मैसेज फ्रॉम द कंपनी, ओके। और ये इसमें फोम वगैरह या साबुन वगैरह भरने के लिए कुछ होगा। ये सक्शन पाइप है जो नल में लगाना है, और ये प्रेशर पाइप है जिसमें अपने को गन कसना है, और ये इसके पीछे यहाँ कहीं कसाएगा, ठीक है। और ये गन है, ये डबल मोड वाली है, घूम जाती है, और ये भी एक गन है, कैसे चलेगी मुझे पता नहीं, अपन सब चला के देखते हैं अभी। और ये है मेन अपनी मशीन KP40, ठीक है। इसमें मोटर लगी हुई है 2000 वाट की, ये यहाँ से इसका मेन पाइप आएगा। अब फटाफट इसको इंस्टॉल करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कैसे चलती है। मैं तो बड़ा एक्साइटमेंट में हूँ भाई, काम कैसे करेगी ये। पहिए वहिए सब दे रखे हैं यार, बहुत बढ़िया दिख रही है। और ये क्या है, फिल्टर है, ये एक फिल्टर है, देखो क्वालिटी बहुत शानदार है यार। लोग गन में जगह जगह बटन दे रखी हैं। खबरदार सरपंच साहब जो हिलने की कोशिश करी तो इसके आओ। धोने की गन है वो। वॉश करने के लिए है ये गन, खेलने के लिए नहीं। जो दिल में लगी है, दुनिया को जला दूंगा, जो तेरी डोली उठी तो जमाने को जला दूंगा, दूंगा। इससे पानी जला दूंगा, आग बुझा दूंगा।
तो भैया सबसे पहले हम धुलाई करेंगे आइसर 485 की इस मशीन से। टंकी भरी हुई रखी हुई थी 500 लीटर वाली, आधे से ज़्यादा भरी हुई है और पानी कम पड़ेगा तो और ले आएंगे। और जो मशीन आई है KP40 उसको हमने लगा दिया है, इंस्टॉल कर लिया। जो यूज़र मैनुअल है उसमें सब लिखा हुआ है कैसे कैसे करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं उस पाइप अकेले लगाने, मैं दिखा देता हूँ आपको। और इसमें भाई साहब ये वायर बहुत लंबा दिया है यार, देखो लगभग 20 फीट का वायर है और सीधा अपने बोर्ड में चला गया वहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब घर के अंदर से भी यूज़ कर रहे हैं ना तो दिक्कत नहीं है। तो ये जो सक्शन पाइप था ये यहाँ से ऐसे निकलता है ये, ठीक है। और जैसे अपने सोनाली का 60 में दिया हुआ ना सेम वैसा ये गया लॉक, खट की आवाज़ आई, हो गया। और ये जो पाइप है इसको आप नल की टोंटी में लगा सकते हैं, और अपने पास टंकी है तो अपन टंकी में डाल दे रहे हैं। ये पाइप ये डाल दिया, ये गन है और ये गन लगेगी आगे की तरफ, ये इसमें भी ऐसे ही करा तो ये खट की आवाज़ आई, ये भी हो गया, ठीक है। इसको दबा के निकल जाएगा और ये दूसरे मुँह पर अपन ये गन लगाएंगे, ये गन में नीचे दिया हुआ, यहाँ भी एक आवाज़ आएगी और ये बटन दबा के निकल जाएगा। और गन में नीचे लॉक बटन दे रखा है, अभी क्या है ये खुला हुआ है, अगर अपन ये दबा दिया ना अब लॉक हो गया ये, अब ये नहीं दब रहा। और इधर करेंगे ना तो ये काम करने लगा, जैसे बच्चे को यूज़ ना करें इस हिसाब से। और जो लंबी वाली गंदी है वो इसके आगे लगेगी, लगा ना कोलू, ये भी लॉक हो जाएगी, रखो ज़ोर से, हाँ ये लॉक हो गई घुमा के। और ये जो गन है इसी की जगह पे एक शैम्पू वाली जो बॉटल आई है वो लगा दो और शैम्पू स्प्रे कर दो। तो अब इसको अपन चला के देखते हैं। और ये बटन दे रखी है, तो मैं इसको गन को रख देता हूँ नीचे, प्रेशर निकालना पड़ेगा पहले, क्लियर निकली ये गन को में नहीं रखेंगे परपस, इसको करते हैं ऑन। पानी में है कि नहीं देखना, ठंडा का पानी आ गया, हाँ ये आ गया पानी, पहले थोड़ी एयर निकलेगी, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, ये दबाएंगे यहीं से चालू हो जाएगी, ये देखो यहीं से बंद हो गई। अब लगाओ इसको, अब चला के देखते हैं भाई साहब इसको। ओ भाई साहब भयंकर धक्का मार रही है, तो देखो मेरा हाथ पीछे आ रहा बिल्कुल, बहुत शानदार प्रेशर दिख रहा है यार, देखो यहाँ पे मारूं बिल्कुल निशान लगा के कर रही है यार, एक नंबर। और इसमें एक और चीज़ है, ये नोज़ल को अपन इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, इसको घुमाएंगे ना, अभी ये नोज़ल देखो सीधा दिख रहा है, इसको घुमाएंगे देखो ये क्लोज़ हो रहा है ना, तो अब लंबी फुहार देगा, ये ज़्यादा हो गई तो पास इतनी, अभी इसको दबा के देखता हूँ मैं, देखो ये देखो ज़्यादा हो गई ये इस तरह से, देखो फुहार अपन इसको मैनेज भी कर सकते हैं, ये लंबी चल रही है ना, ऐसा कर देंगे ना तो सीधी जा रही है, और इस तरफ घुमाएंगे ये देखो चौड़ी होती जा रही है, मतलब ऐसा हल्का हल्का वॉश देने के लिए ये ऐसी। चलो सोनू हो जाओ शुरू, ये देखो सर पानी फेंकना है ना, हल्का हल्का फुहार देनी है तो ऐसा कर दो, और थोड़ा और इसको करना है तो ऐसा घुमा दो, ये आप सही है, प्रेशर बहुत शानदार है यार इसका, वो कितनी लंबी फुहार मार रहा है बिल्कुल एक सी, ऐसा लग रहा है धुआं निकल रहा है, देखो इंद्रधनुष बन गया, इंद्रधनुष सामने अब मैं खुद चलाता हूँ, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे मिट्टी अपन वहाँ मार के देखते हैं कि कितना असर करती है, और इसके नोज़ल को अपन कर देते हैं फुल पे, ठीक है। जैसे कि इसमें ये मिट्टी लगी हुई है निकालने का प्रयत्न करेंगे अपन, सूखी मिट्टी है ये, अब देखो हाथ भी ज्यादा अंदर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गन की लंबाई इतनी है ना, पूरी मिट्टी निकल गई बाहर, Thank you.
वाइड करता हूँ। तो नोज़ल को मैंने थोड़ा सा चिपका दिया है, तो अब ये वाइड फुहार आएगी इसमें। ठीक है, अपने को पहले क्या इसको गलाना है, पानी मारना है ना। पहले गला लो, पानी मार लो, उसके बाद दो। गल रहा है थोड़ी देर, उसके बाद अपन इसको और इसमें भर दिया अपन ने शैम्पू, और अपन शैम्पू का स्प्रे करके देखते हैं। और इसको ऐसा तिरछा करके लगाओ और ये घूम गया, ये हो गया सीधा। ठीक है, एक नंबर यार शैम्पू मारने के लिए। भाई साहब प्रोडक्ट यार, मैं क्या बताऊँ, पैसा वसूल चीज़ है, मज़ा आ गया। मतलब कपड़ा मारने की ज़रूरत ही नहीं है, झंझट ही नहीं है। पूरा शैम्पू इसके अंदर क्या, एक वो जो रहता है ना पुछ करने वाला, वैसा सिस्टम है, एक नली गई है और उसमें से ये प्रेशर में जाता है। तो बहुत ही शानदार। बस ट्रैक्टर को अपन घुमा देते हैं, पीछे की साइड रह गया है तो पीछे की साइड मारते हैं और फिर प्रेशर करते हैं। मुझे मतलब खुद को बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में पर्सनली। अब इसको निकालते हैं और फिर से गन लगाते हैं अपन। अरे ये तो ढक्कन खुल जाता है इसमें, अच्छा शैम्पू करने के लिए। ये मैंने बोला नली ऐसे, और इसको ये दबा के ये निकल गई नली। ये लो गन दो, और ये आ गई अपनी गन। और इसको अपन लगाते हैं फिर से, है ना ऐसे। इसको अपन फाड़ के देखते हैं इसके प्रेशर में कितना दम है। ऋषि लगाना है इसके ऊपर। सांप बना दिया, सांप थर्माकोल के ऊपर काट के रख दिया यार। क्या प्रेशर है, देखो सही अंदाजा यहाँ लगा। इतनी मजबूत होता है ना ये आइटम, यहाँ से खींच के देखो आप, खींचने से फटता नहीं है इतनी आसानी से। और इसको इसने मिटा के रख दिया। अब बताओ ठीक भला अपना फीस हो गया अपना।
पानी गया कहाँ, दिखा तो है नहीं, बारिश भी होने लगी। लो एक बार फिर से ट्राई करेंगे अपन हवाई फायर पानी से। देखो अब एक बार नीचे रेडी, लाइन बना दी लाइन, मजाक मस्ती बहुत हो गई, इसको धो लेते हैं। ग्रीस के सारे पॉइंट निकाल दिए यार इसने, देखो गंदा हो रहा था ये, ग्रीस लगा हुआ था, पूरा क्लियर कर दिया। तो भैया ये हो गया वॉश, इसको हटाते हैं और महिंद्रा आ चुका है उसको लगाते हैं, महिंद्रा को धोएंगे, चमक गया बिल्कुल, थोड़ा सा कपड़ा भी मारना पड़ा। खैर भाई साहब मज़ा आ गया, पैसा वसूल आइटम है यार, क्या प्रेशर है, उसने फोम काट दिया, ईंट काट दी और बिल्कुल चमका दिया ट्रैक्टर को भी। तो दोनों ही ट्रैक्टर अपने वॉश हो गए हैं और भाई साहब मशीन जो है फुल वैल्यू फॉर मनी है, मतलब एकदम झकास चीज़ निकली है। पहली बार कोई आइटम ख़रीदा और वो जो है दिल को छू गया, इतना शानदार और साइज़ में इतना छोटा है ना, कहीं भी रख लो। तो एक अपन जो गैरेज है अपनी वहाँ रख देंगे, तो गाड़ी कहीं भी निकालो तो वॉश कर दो फटाफट, एक टंकी भर के रख देंगे, ऐसा कुछ अपन कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है इसकी लिंक, मतलब इसमें कुछ एफिलेट वाला लफड़ा नहीं है, मतलब कमीशन वाला कुछ भी नहीं है, लिंक मैं दे दे रहा हूँ, बंदा जाके जिसको भी लगे ऑर्डर कर देना और नहीं लगे तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ये देखो फिल्टर में, यहाँ पे जो फिल्टर लगा है ना, जो कचरा आता है पंप के अंदर ना जाए, तो वो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, देखो अभी चलेगी ना, कचरा आ रही है सब इसको।